नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। भारत देश ने सोमवार को 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है और गूगल को अपने प्ले स्टोर से उस सभी ऐप को हटाने का आदेश भी दिया है। भारत की इस कार्रवाई से चीन घबरा गया है और इस पर दुख जताते हुए स्थिति पर नजर रखने की बात करने लगा है। अभी तक गलवान में हेकड़ी दिखा रहे चीन भारत के इस एक्शन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने लगा है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत के चीनी ऐप्स पर बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, चीन को काफी चिंता है और वह स्थिति की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि दोनों देश के बीच लद्दाख में एक महीने से ज्यादा वक्त से तनाव चल रहा है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे। झाओ लिजियान ने कहा है, हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने की कहती रही है। भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में ढेरों पॉपुलर ऐप्स शामिल है। ऐप्स को बैन किए जाने की वजह इनका चाइनीज होना ही नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम मानते हुए ऐसा किया गया है। करीब 59 ऐप्स को जल्द ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।